गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। कहते हैं ना कि जिंदगी एक जंग है, लेकिन उस जंग को हराकर हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उसकी जीती जागती मिसाल है आमना अजय जैन, और आज मैं ही मिलाऊंगा इनसे कि कैसे एक गृहिणी, एक घर की जो लक्ष्मी होती है, वो बाहर निकलकर कैसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन सकती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और बैक टू बैक क्वेश्चंस के साथ आमना अजय जैन आपसे डिस्कस करेंगी। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सर का, जिन्होंने मुझे सक्सेस मंत्रा में आमंत्रित किया। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक सबसे छोटे से टाउन से हूँ, जिसका नाम है अम्भा, मुरैना ज़िले में जो आता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गांव में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का फोकस तो करते नहीं हैं बेटियों पर इतना। मेरे भाई जो इंजीनियर हैं, वो सबसे पहले निकल कर आए बाहर। वो चाहते थे कि उनकी जो सिस्टर है वो भी आगे पढ़े, तो उनकी वजह से ही मैं दिल्ली आई। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना पीजीडी से कंप्लीट किया। okay. उसके बाद मेरी शादी यहाँ दिल्ली में ही हो गई। दिल्ली में शादी होने के बाद भी मुझे अपने हस्बैंड से बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनकी जो वाइफ हो, मतलब वो अच्छे से जॉब करे कहीं। एक्चुअली वो चाहते थे कि किसी बैंक वगैरह में हो, बट मैंने वहाँ ट्राई किया था तो सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, जिसमें हम दोनों मिलकर काम करें। तो उसी में हमने अभी ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया तो जैसा कि आप जानते हो कि स्टार्टिंग में जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो तुरंत सक्सेस नहीं मिलती है। हाँ, फिर हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा कभी रुकावट आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और फाइनली अभी हम ई कॉमर्स में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी इंस्पिरेशन हमें मिल रही है मैम से कि हर कोई अगर सोचता है कि मुझे कुछ करना है वो कर सकता है, और नारी शक्ति अगर कुछ चाहती है ना कि मुझे चीज़ करनी है, और वो हमेशा कर सकती है, बशर्ते उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें। सबसे मेन चीज यही है, घर वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर उनका सपोर्ट ना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं आमना जी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, ये घर भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, और घर पे खाना बना के अपना बिजनेस भी देखती है। और आज की डेट में इनका जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, वो चाहे फ्लिपकार्ट से हो, अमेजोन से हो, या मीशो से हो, और बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है। और आगे भी भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो और आगे भी अच्छा चलता रहे। और मैम की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि हमेशा ये हंसती रहती हैं। मैम, इसमें आपका राज क्या हुआ? जब भी मैं आपसे बात करूँगा एकदम स्माइलिंग आपका फेस होता है, ये मतलब ये एनर्जी और बूस्टिंग एनर्जी मिलती कैसी आपको? मुझे लगता है कि लाइफ में रोने से तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर हम हंसते रहेंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि हमेशा हमें कहते ना कि हम रोते रहेंगे तो कोई काम नहीं होता है, और हमारे घर वाले भी यही कहते थे कि रोते रोते जाएगा तो फिर रोते रोते ही खबर लाएगा। तो बेटर है हंसते हंसते जाओ और हंसते हंसते खबर मिलेगी। तो कहते ना हमेशा हंसते रहना चाहिए। मैम, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। मैम, अगला क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि आप ये क्रेडिट किसको देना चाहोगे कि मैं देखता हूँ कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। आप जिस तरह आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, जो बिज़नेस आपने पकड़ा है, और बहुत अच्छे से आप उसको निभा भी गए हो, और कंधे से कंधे मिलाकर आप अपने हस्बैंड के साथ चल रहे हो, ये क्रेडिट किसको जाता है? इसमें मैं सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को ही देना चाहूँगी, क्योंकि अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो आज मैं ये सब नहीं कर पाती। ये बात तो मैम ने बहुत अच्छी कही कि कहते हैं ना कि जीवन साथी का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और हर लेवल में वो हमारे साथ होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम, कुछ आप स्पेशल कुछ कहना चाहोगे जो हमारी गृहिणी है? एक कहती ना, एक लड़की जो होती है वो अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और बिजनेस वुमन, ये पाँचों जो तत्व है जो ये एक औरत के अंदर आने चाहिए, उसमें आप क्या सोचते हो कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जो आगे हमारे जो लोग हैं, जो मतलब जो लड़कियां जो शादी करने वाली हैं सोचती कि मुझे कुछ करना है, या घर वाले नहीं करने देंगे, आप क्या सोचते हो कि कैसे उनको उनके अंदर इंस्पिरेशन लानी चाहिए? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो सभी फैमिलीज में जो होता है कि इन लॉज की तरफ से कई तो सपोर्टिव फैमिली होती हैं तो सपोर्ट मिलता है, बट कई इन लॉज की तरफ से सपोर्ट नहीं भी मिलता है। तो ऐसा नहीं कि हम उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम रुक जाएं, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब जैसे अभी आप जो लेटेस्ट है कि पेंडेमिक चल रहा है, और इस पेंडेमिक में किसी को कुछ भी हो सकता है।
सपोज कीजिए अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो अपना फ्यूचर कैसे करेगी, कैसे बच्चों को पढ़ाएगी, कैसे अपना खुद का फ्यूचर सेव करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम कुछ आगे बढ़ रहे होते हैं तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, तो हमें उनकी परवाह ना करते हुए आगे ही चलना चाहिए, जिससे कल को फ्यूचर आए, मुसीबत आए, तो हमें वहाँ पर किसी का सहारा ना लेना पड़े, हम खुद अपने पैरों पर खड़े हों। क्या बात है, नान ने बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान ना करे फ्यूचर में किसी के साथ कुछ घटना हो जाए, और वो कहते ना कि एक औरत के साथ जब ये मुसीबत घट जाती है और उनका सपोर्ट कोई नहीं करता तो एकदम टूट जाती हैं, तो हमें टूटना नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सारी जितनी लड़कियाँ हैं और जितना कहते ना कि एक वुमेन पावर है, और हमारे देश को भी प्रधानमंत्री जी ने आज की डेट में वुमेन एरा का जो टेक्नोलॉजी आगे लेके आ रहे हैं, वो तो हम सोचते हैं कि सब लोगों को मौका मिलना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए और एकता के साथ देखना चाहिए कि हम आज की डेट में तो वैसे भी सब समान है, बेटा और बेटी दोनों ही समान है, इनफैक्ट बेटियां आगे कर रही हैं बेटों से। तो आपको ये दुख है अंदर से कि आपकी बेटी नहीं है, ऐसा कोई होता है? हाँ, थोड़ा सा दुख तो है कि मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत चाहती थी कि मेरी एक बेटी भी हो। सही बात है, काफ़ी कम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी बेटी हो, और आप लोग को बता दूं मेरी भी बेटी है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, वो मेरा बेटा जैसा ही है। और हम लोग थोड़ा सा और ये जानेंगे कि आप लोग भी कैसे स्टार्ट कर सकते हो एक ऑनलाइन बिजनेस में, अगर आपको घुसना है तो गूगल में आप सर्च भी कर सकते हो। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप घर में ही बिजी हो तो आप कैसे करोगे, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आजकल एंड्रॉयड फोन सबके हाथ में होते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो उस टाइम पे आप गूगल पे सर्च करो, थोड़ा सा इंस्पिरेशन वीडियोस देखो तो आपको खुद से लगेगा। और वर्क फ्रॉम होम तो आजकल बहुत सारे होते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एक बार अगर कदम आगे बढ़ाओगे तो आपके उसके अकॉर्डिंग मिलता ही जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। सही बात, बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि घर से स्टार्ट करो, जब बिजनेस अच्छा चल जाए तो ऑटोमेटिकली आपका चीज़ें सेटअप होती जाती हैं। और कभी इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि वो कहाँ था और कहाँ है। हाँ। क्योंकि हम लोगों के अंदर होता ना कि हम लोग जब अचीवमेंट जब आती हैं, जो इंसान होता है कि वो सोचता है कि अरे मैं तो नीचे था, आज मैं ऊपर आ गया हूँ, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, ये अंदर से कभी नहीं आना, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को जैसे डाउन टू अर्थ एक होता है ना कि इंसान के अंदर एक अर्थ से जुड़े ही रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए कि जमीन से हम जुड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और भगवान भी हमारा साथ देंगे। मैम लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन गूगल में जाओ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखो। जो जो लड़कियां हैं वो एकदम निराश हो जाती है, अरे यार मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, और एकदम हिम्मत हार जाती है कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे जो बहुत ज़्यादा परेशान है? मेरे पास बहुत कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस आते हैं लड़कियों के, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और आपको एक और बात मुझसे पूछनी थी, मुझे पूछनी थी आपसे कि क्या ऑनलाइन में हज़ार रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं काम? हाँ, ऑनलाइन में आप बिल्कुल कम से कम लागत में स्टार्ट कर सकते हो। आप जस्ट आपको फर्स्ट आपको GST लेना है, उसके बाद आपको कोई प्रोडक्ट कोई स्टॉक नहीं रखना है, आप अपना एक दो प्रोडक्ट डालिए, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है आपको उसका रीसेल पता चलेगा कि क्या रिव्यू आ रहा है, आप उसको स्टॉक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, कैपिटल फंड आपको चाहिए, वो नहीं चाहिए। आप लो स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ हमारा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप तुरंत जाके स्टॉक कलेक्ट कर सकते हो और ले सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम छोटी सी लागत से हम लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे चैनल पे आए, आप एक इंस्पिरेशन हो, मैं आपको इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ ये इतनी फास्ट फॉरवर्ड हैं, कभी अपने बिजनेस में रहेंगी, कभी घर पर रहती हैं, और हर जगह अपना टाइम देती है। इनको पता है टाइम मैनेजमेंट कैसे, मुझे टाइम निकालना है कि मैं मंदिर के लिए कैसे टाइम निकालूँ, अपने बिजनेस के लिए कैसे टाइम निकालूँ, बच्चे के लिए कैसे टाइम निकालूँ। मैं लास्ट क्वेश्चन, हर माँ सोचती है, हर बेटी सोचती है, हर घर वाले सोचते हैं, हम जो नहीं कर पाए हमारे बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल, हर सोचता है वो, ऐसा क्यों मन में आता है कि हमारे हम लोग वो नहीं कर सकते, हम बच्चों के लिए करें? छोटी सी चीज़ मैम आप बताओगे व्यूअर्स को? वो एक्चुअली पेरेंट्स को पता होता है वो तकलीफ़ जो उनको नहीं मिला है, तो वो सोचते हैं जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, और वो उस तकलीफ़ से ना गुजरें, इसीलिए वो सब करना चाहते हैं। सही बात है कि हम लोग सोचते हैं ना, एक पेरेंट होता है वो सोचता है कि अरे हम ये चीज़ नहीं करें, हमारे पास साइकिल नहीं थी,
नहीं हम हमारे बच्चों को साइकिल, मेरे पास बाइक नहीं थी, हम लोग इतने स्ट्रगल और इतने तकलीफ से हमारे माँ बाप ने हमें पाला है कि चलो दाल रोटी मिल रही है, हम क्यों अपने पिताजी को परेशान करें, हम चाहते हैं हम हर चीज़ हर खुशी अपने बच्चों को दें। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू सक्सेस मंत्रा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स, बाय।